हे गाइज स्वेप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक पीलोकारपेन द पीलोकारपिन ड्रग फार्मेकोलॉजी का टॉपिक सो विदाउ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं हम इंडिकेशन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डोजेस साइड इफेक्ट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस देखेंगे सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट पिलोकारपिन पिलोकारपिन जो है बेसिकली ऑप्टेंड होती है लीव्स ऑफ पिलोकार्पस माइक्रोफिलस से पिलोकार्पिन जो ड्रग है वो पिलोकार्पिन जो ड्रग हम यूज करते हैं कहाँ से कहाँ से मिलती है हमको ये पिलोकार्पिन माइक्रोफिलस जो प्लांट है उसके लीव्स से उसके पत्तों से मिलती है हमको ये और उसके अदर स्पीशीज से ये जो है प्रोमेनेंट मेस्क्यनिक एक्शन होता है बट ये इसके स्टिमुलेट करती है मसल एक्शन होता है इसका मिस्क्यनिक रिसेप्टर जैसे हमने देखा तो मिस्क्यूरिनिक एक्शन होता है इसका और बट ये गेंगलिया को भी स्टिमुलेट करती है प्रोमीन एक्शन तो उसका मसल पे होता है मस्करेने एक्शन होता है बट ये गैंग्लियंस जो है गैंग्लिया को भी स्टिमुलेट करती है इंडिकेशंस देखें इसको तो ये जो है एक मेडिकेशन है जिसको हम वैरायटी ऑफ कंडीशंस में यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए जैसे ग्लोकोमा हो गया ग्लूकोमा जीरोस्टोमिया ब्लड विजन जैसे ग्लोकोमा जीरो स्टोमिया आपकी हो गई ब्लड ब्लड विजन हो गए ब्लौड, ब्लौड हो गया। उन सब केसेस आप यूज देखने को मिलता है एट अ क्लोज रेंज इंडिकेशन कहा यूज करते हैं हम इनको ये देखा हमने नेक्स्ट कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से काम करते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमने वो देख लिया कि पिलो कार्पस माइक्रोफिजर प्लांट और उनके अलग स्पीशीज के पत्तों से मिलते हैं हमको इसका म्यूस्किनिकेशन मसल पे एक्शन करेगा तो ग्लोकोमा स्टोमेटिस ये सारी ग्लोकोमा और आइज वगैरह यहां पे जो भी मसल्स हैं तो मसल्स पर एक्ट करेगा ये आइज़ की मसल्स और मसल में एक्ट करेगा तो किस तरह से काम कर रहा है मैकेनिजम ऑफ एक्शन क्या है इसका कि ये मायोटिक होता है इसका मतलब है ये प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करता है मायोटिक का मतलब हो गया कि वो जो प्यूपल है आपका आई में प्यूपल है प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करेगा प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो इसकी वजह से क्या होगा आपका जो प्रेशर है अंडर द प्रेशर है आई के अंदर वो कम हो जाएगा प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होगा अल्टीमेटली जो हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द आई जो एक मेजर रिस्क फैक्टर है ग्लूकोमा के लिए ग्लूकोमा किस वजह से आपको पता है ग्लूकोमा किस वजह से होगा क्योंकि आपके आईज के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा एंड बिकॉज़ ऑफ द हाई प्रेशर इन द आईज देयर लीड टू द ग्लूकोमा और ये जो है uh, पिलोकार्पिन इज माओटिक ड्रग माओटिक ड्रग मतलब ये जो है आई का प्रेशर जो है कॉन्सट करेगी प्यपल को जिसकी वजह से आई का प्रेशर कम होगा अल्टीमेटली ग्लोकोमा नहीं होगा क्योंकि ग्लोकोमा आई प्रेशर की वजह से हो रहा था ये ऑल्सो स्टमुलेट करेगी द प्रोडक्ट ऑफ सलाइवा एंड स्वेट ये ऑल्सो स्टमुलेट कर है प्रोडक्ट ऑफ द सलाइवा एंड द स्वेट सलाइवर दो हेल्प करती है नियर विजन और पीपल विद प्रेस बायोपिया जो आपको पास का विजन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ये और ऑल्सो वैसे पीपल जिसमें प्रेस बायोपिया कंडीशन है ओल्ड एज में प्रेस बायोपिया कंडीशन तो वहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्प करती है पिलोकार्पिन ड्रग ऑल्सो डोसेज सिंग डोसेज तो इसकी डोसेज कितनी होती है क्या होती है सो so, डोसेज और फ्रीक्वेंसी की पिलोकार्बन कितनी लेनी है कितने टाइम में लेनी है तो so, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन हम ट्रीट कर रहे हैं मतलब कौन सी मस्क, मस्कुलर एक्शन है तो कौन सी कंडीशन किस टाइप का कंडीशन हम ट्रीट कर रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके साइड साइड इफेक्ट जो जो है पीलो जो है कुछ सकते जैसे आईज मेरे कि हम आईज के अराउंड मसल के अराउंड रिसेप्टर्स में दे रहे हैं स्पेशली my, मायोटिक है आईज के अराउंड दे रहे हैं हम तो आई में इरिटेशन कर सकता है ब्लड विजन कर सकता है क्योंकि माओटिक कंस्ट्रक्ट करेगा प्यपल को तो ब्लरी विजन हो सकता है सलाइवेशन हो सकता है सलाइवेशन स्वेट होने लगता था और मसल जो है वो उसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है आपको कंट्रा कंट्राइंडेशन क्या क्या है इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ आपको नहीं करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए तो पीलो कारपिन जो है ऐसे लोगों में यूज़ नहीं करना चाहिए जिसको पीलो कार्पिन या अदर माओटिक से एलर्जी जिसने हमने साल ब्यूटामो साल ब्योटामोल न्योस्टिकमेन अलग अलग ड्रग्स में देखा था वैसे पीलो कारपिन में भी हमको यही देखना है कि वह तो ये भी कहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते या आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते जहाँ आपको एलर्जी है पीलो कारपिन से या अदर माओटिक से

एक्शन होता है इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकता है आइज में वीकनेस कॉज कर सकता है सलाइवेशन करता है डोजेज डिपेंड करती है उस पर मायोटिक होता है प्रेशर कम करता है जिसकी वजह से ग्लोकोमा नहीं होगा प्रिकॉशंस क्या है कि किडनी हार्ट डिजीज में लिवर डिजीज में नहीं देने का है इसको किससे मिलती है पिलोकार्पस माइक्रोफिलस प्लांट की पत्तियों से मिलती है उसके अदर स्पीशीज से मिलती है सो दैट इज ऑल विद रेस्पेक्ट टू द पीलो कार्पिन सो आई होप यू गॉट दिस टॉपिक दिस ड्रग पीलोकार्बिन माइक्रोफिलस एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि पीलोकार्बिन ड्रग के बारे में पूछो या वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है सो so, आपको पता होना चाहिए पीलोकार्बिन ड्रग क्या है किस तरह से काम करती है तो आई होप दैट टॉपिक इज क्लियर टू यू अगर आपको कोई डाउट रह गया है उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई लाज ऑल योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन सो आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं तो वहाँ इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसके लिंक मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मैंने में इंस्टाग्राम की लिंक डाल रखी है आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं सो ब बाय गाइज कीप लर्निंग कीप स्टिंग मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ